हाँ जी, की हाल चाल है जी सारिया का। अज आप बाइक की सर्विस करा रहे हैं। पहला तो यह पेट्रोल कड़ रहा है, किन्ना का कड़ेगा भाई पेट्रोल? कीप भर के ही छेगा, अद्धा लीटर कड़ लिया भाई पेट्रोल। जी सर्विस करते हैं ही बाइक के पेट्रोल कड़ के की जाती है सर्विस, क्योंकि कई होंगे ना कि आप पैसे तो पे कर रहे हैं तो तुम पेट्रोल कदा कड़ रहे हो। तो तुम जिथे भी बाहर सर्विस कराओगे तो पेट्रोल ही यूज़ करते हैं। तो इस तो बाद हूँ अपना बाई ने फिल्टर तो पहले ही खोल लिया सी। पहले फिल्टर साफ करते हैं, फिल्टर जिथे होंगे ना पहले आवली फिल्टर, इतने फिल्टर होंगे जरा जिथे भाई बुरश मार रहा है, पहले इनू चंगी तरह साफ कर लेंगे पेट्रोल के नाल। बई मार रहा चंगी तरह बुरश, ब्रश मारन का आही हुंदा मेन सर्विस दे विच एक फिल्टर आ जाता है और दूजे नंबर ते अपना इंजन ऑयल, इंजन ऑयल प्लस फिल्टर, ये दो चीज़ा होंदिया मेन। बाकी तो छोटे छोटे हुंदा है, कोई ज़्यादा नहीं हुंदा। इन्हां दी चार्जेस हुंदे है, ये तुसी घरे ही करना, तुहानू सारा समान घरे लियाना पएगा, किट वगैरह। बाई ने मार लिया बुरश बरसता चंगी तरह, हुण की लभ रिहा बई? अच्छा, वो जरा टप है, कवर है जरा जिथे फिल्टर होंगे वो दे, फिल्टर दे कवर नू वॉश कर रहा भाई चंगी तरह, कोई डस्ट ना रह जाए। अगर डस्ट रह जाती है तो वो फिल्टर दे विच वो फिल्टर नू दिक्कत देगी, अगर फिल्टर नू दिक्कत आएगी तो फिर अपना बाइक ताड़ा वधिया नहीं चलेगा। ता ही कहिंदे है कि तुसी सर्विस कराते हो तो कई होंगे ना इंजन ऑयल कला चेंज करा लेंगे, तो इंजन ऑयल चेंज कराने के नाल चाहे तुसी उन्हूं कह दिया करो भाई कला फिल्टर फिल्टर साफ कर दे, होर कुछ ना कर, अगर तुसी नहीं पैसे ज़्यादा लगाने होंगे। तो बाई ने वो कर लिया साफ अपना जरा कवर से, हूँ फिल्टर का जरा अंदरला हों जरा वॉश कर रहा जिद जरा वॉश कर रहा, इनू पेट्रोल दे नाल चंगी तरह साफ कर रहा बई। पहले जरा पेट्रोल से वो साफ किया, तो उस तो बाद उन्हें साफ पेट्रोल मारिया कि कोई डस्ट कोई होए तो वो साफ पेट्रोल दे नाल बाहर निकल जाए। आ जिहड़ा इहदा फिल्टर का कवर है प्लास्टिक का, इहदे उत्ते पेट्रोल नहीं मारिया जाता, इहनू हवा दे नाल साफ किया जाता। तो मैं बाई नूं कहा सी कि अपना मेरी बाइक का जिहड़ा चैन कवर चैन सैट है उहनू भी वॉश कर दी, क्योंकि इहदी सफाई भी जरूरी हुंदी है। मन के चलो बाइक चल रहा है तो चैन साफ होएगी तो वधिया चलेगी, जे उदा ही गंदी रहेगी विचे मतलब कि ग्रीस वगैरह तेल तूल जमता रहेगा तो पता है जम जम के खराब हो जाता। सफाई कोई भी चीज़ है, सफाई जरूरी है, तो करके मैं चैन भी हर बार आपकी साफ कराना बाइक की। तो कई बार हो जाता मतलब एक जिमें एग्जाम्पल जनवरी मैं सर्विस कराई है, फरवरी की सर्विस दे मैं नहीं कराऊँगा चैन वॉश, बट मार्च में मैं वॉश करा लेना एक बार विचों छड भी देव तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुहानू चैन साफ करानी चाहिए। चैन के अगे जिहड़ा हुंदी गरारी उन्हूं भी चंगी तरह साफ कराओ, क्योंकि इहदे नाल मेरे हिसाब नाल चैन की थोड़ी जी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि पहला मेरा चैन सैट सी जिहड़ा वह वध तो वध 13-14 हज़ार दा खड़क जाता सी, बट मैं जदों दी चैन क्लीनिंग कराना तो उहदे नाल थोड़ी जी लाइफ बढ़ जाती और चल जाता ज़्यादा थोड़ा जहा। सैड तो बैग भी हूँ चेंज कराना यार बाइक ना, थोड़ा जहा मोडीफाई कराऊँगा रुक के, थोड़ा जहा अपना यही महीना डेढ़ क महीना रुक के ना, देखने बड़ा होर जहा बेकार जहा लगता जिमें सैड तो बैग बूग जहा है। ये मेन वैसे मैं पानी वास्ते लगाया बैग ना, पानी है जो आप कितने जा रहे हैं छोटी मोटी कोई चीज़ हो गई जो सब्जी फल फ्रूट कुछ भी ये आराम नाल कैरी हो जाता। हुण बाई चैन नूं चंगी तरह ऐन साफ कर रहे हैं बाई, रीझां ला दे पूरियां। इन्ना को मैं पहला भी एक दो बार सर्विस कराई है, तो अज मैं सोचा वीडियो शूट कर ली आपां अपने बाइक का जड़ा सर्विस हो रही है, कल नूं कोई आपां जरूरत पै जांदी आपां खुद भी करन जोगे होई। हुण जिथे चैन चैन का जिहड़ा अगे वाला पासा हुंदा छोटी गरारी ए उहदा कवर है, ये उन्हूं चंगी तरह साफ कर रहा है। जिहड़ा पेट्रोल जिहड़े पेट्रोल नाल कवर वगैरह साफ किए थे ना वो अजे
रीयूज आप कर सकते हैं। तो वाल बई साफ कर रहा है चैन के अगे वाले कवर न गरारी के उत्ते जो कवर होंगे ना गरारी का कवर है उन्होंने साफ कर रहा बई चंगी तरह क्योंकि आही चीज़ के पैसे होंगे मतलब होंगे तो की है साफ सफाई के पैसे होंगे आप सर्विस का जोड़ा नाम होंगे मेन जो पार्ट्स होंगे वो अंदरों की साफ करते यदा नाम ही होंगे सर्विस का बाकी चैन वगैरह टाइट करते हैं प्लग न अच्छी तरह वॉश करके वो सॉरी साफ करके लगा देंगे है। तो बाकी हूँ बई दूजा क्या नाम है चैन कवर है चैन कवर न भी बई चंगी तरह साफ कर रहा बई पैसे कमाने केड़ा सौखे है हूँ मान के चलो अगर बंदा इन्नी मेहनत कर रहा है सर्विस दे पैसे रहने बई मेहनत कर रहा है मतलब कोई ओदा नहीं है देख रहे हैं अपन चंगी तरह बई कर रहा है चैन कवर साफ अंदरों बाहरों ये मैं ठीक है जिमें जेडे पेट्रोल नाल कवर वगैरह साफ किए थे उही पेट्रोल ही मतलब जिन्ना यूज आप पेट्रोल नू रीयूज कर सकते हैं उन्ना करता है बई है ना जो नवा नवा पेट्रोल पाता ना कीप दे विच्चों मारदा पेट्रोल फुहारी जी उदों दिल नू कुछ हुंदा कि भाई पेट्रोल कादे वास्ते इहना लाई जांदा इहनू पानी चों कढ दईए ओ बई 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तां करके थोड़ा जिहा बंदा देखदा ही आ पेट्रोल वल ते बई ने चैन चुनका सैट करता ओ कवर वगैरह करते साफ हुणे बई ग्रीस लगा रहा ये की होंगे मतलब मन के चलो नहीं होंगे कि बंदा नहा धो के तैयार होंगे फिर क्रीम क्रूम लाता वो कम है चैन नू एन पेट्रोल साफ सुफ करके जी ये वो की कहने तेल तूल पाते है ये जेडे 15-20 दिन आप पवाईदा 10-15 दिन बाद जम जाता पेट्रोल साफ हो जाते हैं बिल्कुल तो ज इस तो बाद ही ग्रीस लगाते कि जंगाल वगैरह कोई दिक्कत ना आए चैन करके ये भाई ग्रीस लगा रहा ग्रीस ये अपनी नहीं होंगी ग्रीस इन्हों की ही होंगी इन्हों को अवेलेबल होंगी है ग्रीस ये सर्विस दे विच इनकलूड है ये एक्सट्रा पे नहीं करने पैंदे तुहानू यार वॉशिंग भी करानी है बाइक मैं ना एक दो दिन बाद वॉशिंग भी कराना क्योंकि पहला एजेंसी चो करा लेंदे सी एजेंसी दे विच सारा कुछ ही हो जांदा सी बट हुण एजेंसी जाण दा टाइम नहीं है मतलब वो अनकंफर्टेबल जहाँ होंगे एजेंसी जाके मैं क्या इतने ठीक है बाहरों आपकी अखा के सामने सारा काम हो जाता है हूँ बई कपड़ा मार रहा जो चैन कवर नू वॉश किया बई ने चंगी तरह पहले बई थले वाला कवर सैट करेगा बैग के नाल खेल रहा बई बैग तो मैंने भी बहुत भैड़ा लग रहा बैग आप बस रिमूव कर देना थोड़े टाइम तक यदा कोई होर अल्टरनेटिव आप लभांगे कि जिमें मैं समान कैरी करना होंगे कुछ ज डायरी वगैरह होंगी कैरी कर बोटल होंगी कैरी करते वास्ते कोई होर ए अल्टरनेटिव देखा बट ये बैग आप रिमूव कर देंगे जल्दी क्योंकि ये बाइक की जी डेकोरेशन है खराब कर रहा है बई नट लभ रहा है चैन सैट के लाने ऑलमोस्ट बई नू अपना सर्विस ते लग हजे तो मतलब एवरेज दस रहा मैं मतलब बई नू वीडियो तो सिर्फ 20 मिनट की है तो 40-45 मिनट लगे बई नू सर्विस करन ते क्योंकि हर मतलब पूरी वीडियो बनाई उदा की नहीं ना जाती आप मेन सर्विस की कर ली उस तो बाद चेक ट्राई ली है उस तो बाद चैन की दिक्कत आई सारा कुछ हो फिर उन्हें सही किया दो बार बाकी हूँ यार मार रहा चमका रहा चैन कवर नूं अंदरों बाहरों देख रहे वो भी कहता है क्या मतलब कहता है क्या मेरी वीडियो बनाई जाने बाकी हूँ बई उपरला कवर पा रहे चैन सैट का चैन वाले पासे का उपरला कवर पा रहे बई चैन कवर हाँ उपरला चैन कवर पा रहे तो सर्विस करनी कोई औखी नहीं है बंदा अगर बंदे को सारे पार्ट हैगे है इन पंजाबी तो संद ही कहते हैं आ जड़े चाबियां पाने चीज़ा ये तुसी फिल्टर खोल के फिल्टर नू वॉश कर लो
पेट्रोल दे नाल ते थलो हुंदा जिथे आ इंजन ऑयल हुंदा ना थले एक हुंदी है कि नट जा हुंदा जिहड़ा कोई बाइक हैगी सर्विस कराउंदे उहनां नूं पता ही हुंदा जो थलो खोल के इंजन ऑयल कढ के दोबारा इंजन ऑयल थलो बंद करके पहले थलो खोल के उहदा इंजन ऑयल बाहर निकलेगा 10-15 मिंट च फिर उपरों थलो बंद करके फिर उपरों खोल के ढक्कन जा राइट साइड तो उहदे उपर तुसीं इंजन ऑयल पा दो तुहानूं दिखाऊंगा अगे हैगी है वीडियो दी हजे तां भाई चैन सैट ही कर रहा है सैट मेरे बाइक का चैन सैट थोड़ा जहा औखा सैट हुंदा है सब इन्ना बाइक नूं टाइम सर्विस करन ते फिल्टर साफ करन ते ये चीज़ां ते नहीं लग्या जिन्ना टाइम बाइक नूं चैन कवर सैट करन ते लग्या क्योंकि तुहानूं वीडियो विच तां लग रहा बाइक ने दवा दा फिट करता चैन कवर पर फिट नहीं होया मैनूं पता है जदों कंप्लीट होया उस तों बाद दो तीन बार बाई ने दोबारा सही किया घट्टो घट्ट 3 बार हजे तक बाई लगा हुआ इनू ये कोई चैन सैट नहीं आ रहा चैन कवर ना ये चैन कवर पता नहीं मेरे बाइक नू है जा क्या है चैन सैट जिहड़ा चैन कवर है सैट नहीं आता जल्दी किसी को हुण बाई चैन का जिहड़ा अगे वाला पासा जिथे गरारी हुंदी है उहदा कवर उहदे कवर नू साफ कर रहा है आ बाई ने फिट करता हूँ बई लाएगा पेच नट यदा कोई जरूरी नहीं हुंदा तुसीं साफ कराना नहीं कराना तुसीं चाहे इनू दो सर्विसा बाद भी साफ करा लो एक बाद करा लो तीन बाद करा लो कोई दिक्कत नहीं हुंदी बट ये करा लिया करो दूजी तीजी सर्विस से तीजी ते चौथी ते मतलब करवा लेना चाहिए कई तो होंगे इंजन ऑयल चेंज कराते कला बस जी छुट्टी पर इंजन ऑयल के नाल तुसीं फिल्टर भी कराया करो प्लस दो तीन सर्विस तो बाद आ जिहड़ा मैं करवाया आ जिहड़ा इन्होंने उतारिया सी अगला कवर जो क्लीन करवाया वधिया तरीके नाल हुण भाई फिल्टर फिट कर रहा उपर वाले पासे नूं इन्हें अंदरों हवा मरवा लियांदी सी दुकान चों ते आ भाई ने लाता फिल्टर एन कपड़ा कुपड़ा मार के सैट कर रहा भाई चक्के नूं बाई ने हत्थ मार लिया कितें दोबारा मतलब ध्यान बंदे दा हो जांदा ना कि हाँ चैन सैट नहीं हुई जां दो तीन वारी उन्हां हुणे तुहाडे सामने ही मतलब लगा रहा उन्होंने फिर हत्थ रहा मार लिया कितें फिर तां नहीं कोई आवाज़ बूज कर रही ते फाइनली हुण फिल्टर वगैरह उन्हें लगाता है उपर लो दे कवर नूं नट लगा रहा बंद कर रहा सर्विस कंप्लीट हो गई है बस इंजन ऑयल रह गया पान वाला दब दे भाई काम अज पर पहले वाली गलबात रही नहीं स्पलेंडर च ना जिदा पहला जान सी इन्नी जान रही नहीं हुण बस मैं भी इदा ही ले लिया सी शो शू दे चक्कर च बाकी चलो ठीक है एवरेज है माइलेज नहीं है एवरेज मतलब एक एवरेज है स्पलेंडर चलो ठीक है माड़ा नहीं है मतलब चंगा नहीं है तो माड़ा भी नहीं है एक एवरेज आ जाती है बाकी हूँ यदा उपरला टापा तो बाद में लाएगा बाई पहले थले वाला जिहड़ा सी चैन सैट का मूहरे वाला हिस्सा वह एक ही नट लाया सी पहला बाई ने हुण दूजा ला लिया तो हुण इंजन ऑयल जितों थलों निकलता है नट खोल के वह बाई नट टाइट कर रहे इंजन ऑयल तुहानूं डब्बा दिस रहा होगा पहला निकल गया सी स्टार्टिंग दे विच उहने नट ही ओपन किया सी नट ओपन किया इहनूं अद्धा घंटा मतलब 15-20-25 मिनट वो जिवें बूंद बूंद करके एन पूरा खाली हो गया तो हूँ उन्हें थले वाला नट टाइट करता तो मैं उन्होंने बाई ने कहा पहले तू नट खोल के ना उपरले मेरी हैड बाइक की फ्रंट हैडलाइट खराब हो गई सी बल्ब खराब हो गया सी LED लवाई हुई सी मैं तो उन्होंने बोलिया कि पहले तू चैक कर इनू नॉर्मल बल्ब पै जाएगा या नहीं पेगा क्योंकि मैं क्या बार बार कहदे वास्ते गेड़ा मारना दुकानदार को एक हैडलाइट और इंजन ऑयल दे विच जिहड़ा एक हुंदा कैमिकल पैंदा मैं क्या कट्ठे ही ले आऊँगा जाके बाइक खोल रहा है देखते हैं
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਬ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਈਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਈਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਪਲੱਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੱਠਾ ਪਾਓਗੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਰੋਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਏ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੀਪ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਪ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ। ਆਹ ਲਾਤੀ ਧਾਰ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਹ ਹੁਣ ਬਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਜਨ ਓਇਲ, ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਇੰਜਨ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਜਨ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਗਾ। 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ, ਇਨਫਟੈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ ਪਲੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋਰੀ, ਪਲੱਗ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਪਲੱਗ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਚਮਕਾਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਲਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਪਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਬਲਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਈਡੀ ਸੀ, ਐਲਈਡੀ ਮੈਂ ਚੁਕਵਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਲਈਡੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ, ਨੋਰਮਲ ਬਲਬ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲਬ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਬ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਿ ਬਲਬ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਪਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹਿਲਾਏਗਾ ਤਾਰ ਤੂਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਰ ਜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲਬ ਵੀ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰਾ ਤੂਰਾ ਦਾ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਲਬ ਬਾਈ, ਜਗਾਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਬਲਬ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਪਲੈਂਡਰ।